सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अभी तक आप लोग को हमारे इंडिया से पर लुमिनियस पास या दिवाली पास इवेंट देखने को मिल चुका होगा। अगर अभी तक देखने को नहीं मिला तो कुछ ही देर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे इंडिया से पर नहीं लेकिन सिंगापुर सर्वर पर आ चुका है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसको किस तरीके से कम्प्लीट करना है। गाइस, यहाँ पर आप लोग को 100 डायमंड के टॉपअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग को पहले 100 डायमंड का टॉपअप कर लेना है, एंड 100 डायमंड का जैसे आप लोग टॉपअप करोगे तो गाइस आप लोग का लुमिनियस पास का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आप लोग लुमिनियस पास के रिवार्ड्स को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद में गाइस आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे डेली रिवार्ड में आते हो तो गाइस यहाँ पे 7 डेज तक लॉगिन करना है। एक दिन लॉगिन करोगे तो AN94 की स्किन मिलेगी, और फिर एक दिन लॉगिन करोगे यानी कि दूसरे दिन लॉगिन करो तो MP5, फिर ग्रोजा, फिर UMP, फिर ये क्या बोलते हैं इसको AUG की स्किन, फिर P90 की स्किन, और फिर डायनो का बंडल मिलेगा। एक एक दिन के लिए मिलेगा। इस तरह गाइस आप लोग को ये बंडल्स मिल जाएंगे, और लास्ट में जब आप लोग 8वें दिन या 7वें दिन लॉगिन करोगे ना तो गाइस आप लोग को ये कटना की स्किन मिलेगी। लेकिन गाइस अगर आप लोग एक भी दिन लॉगिन करना भूल जाते हो, मान लो इस दिन लॉगिन कर लिया, इस दिन कर लिया, इस दिन नहीं कर पाए, इस दिन कर लिया, इस दिन कर दिया, इस दिन कर दिया, तो गाइस आप लोग को ये कटना की स्किन नहीं मिल पाएगी। ये लिए बिना आप लोग जाओगे तो गाइस आप लोग को क्या करना है कि 7 डेज तक लगातार अपने गेम में लॉगिन करके इन रिवार्ड्स को क्लेम करना है। यहाँ पे क्लेम करोगे ना तभी गाइस आप लोग को बाकी के रिवार्ड्स मिलेंगे। इसलिए गाइस आप लोग को जरूर से क्लेम तो करना ही करना है। अगर आप लोग एक भी दिन नहीं कर पाए तो गाइस आप लोग को ये रिवार्ड्स लिए बिना रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि गाइस आप लोग कोई भी रिवार्ड्स लिए बिना रहो, इसलिए एक डेली का आप लोग को लॉगिन करना है, एंड ये सारे रिवार्ड्स डेली 7 डेज तक लगातार क्लेम करने, तब जाके आप लोग को ये कटना की स्किन परमानेंट मिलेगी। वरना गाइस आप लोग लिए बिना रह जाओगे और 100 डायमंड भी आप लोग के वेस्ट चले जाएंगे। तो इस तरह गाइस आप लोग इस कटाना की स्किन को ले सकते हो। इसके बाद में गाइस जब आप लोग यहाँ पर डेली मिशन एंड शॉप में आओगे तो गाइस यहाँ पर डेली आप लोग यहाँ पर मिशन देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया विन क्लैश वन क्लैश स्क्वाड रैंक्ड गेम, तो आप लोग को यहाँ से एक ये वाला टोकन मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आप लोग को 5-in-battle स्क्वाड गेम में खेलने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे गेट टॉप फाइव में ले आना पड़ेगा स्क्वाड बैटल रॉयल में। तो गाइस आप लोग यहाँ पे 2 टोकन मिलेगी, एंड अगर आप लोग चाहो तो गाइस इनको रिफ्रेश भी कर सकते हो 50 गोल्ड से। ऐसे नीचे भी आप लोग यहाँ पे 3 टोकन का मिशन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग को इस तरीके से ये कंप्लीट करना है, और ये बाइक की स्किल मिल जाएगी आप लोग को यहाँ पे 20 टोकन में। इस तरह का आप लोग यहाँ पे टोकन से ही रिवार्ड्स एक्सचेंज करने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डेली रिफ्रेश मिशन भी कर सकते हो अगर आप लोगों से मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो, एंड आप लोग यहाँ पे 20 टोकन कलेक्ट करके ये वाली बाइक की स्किन फ्री में क्लेम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए गाइस आप लोग को 100 डायमंड का टॉप करके अपने लुमिनियस पास या इससे दिवाली पास इवेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे आना है प्ले मैचेस एंड विन में। यहाँ पे गाइस आप लोग को क्या मिलता है कि हर मैच ड्रॉप होने के बाद अर्न चांस आफ्टर ईच मैच लिमिटेड ऑफ 5 चांस पर डे। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि हर मैच ड्रॉप होने के बाद आप लोग को एक चांस मिलेगा स्पिन करने में। जैसे आप लोग यहाँ पे स्पिन करोगे तो यहाँ पे आप लोग को स्काईबर्ड पैट या बॉनफायर या गोल्ड में से कोई भी एक रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन गाइस आप लोग को एक मैच ड्रॉप होने के बाद एक ही चांस मिलेगा, और वो भी एक चांस तब मिलेगा जब आप लोग एक मैच खेल के आओगे तो यहाँ पे एक बार स्पिन कर पाओगे। दिन का मैक्सिमम 5 बार स्पिन कर सकते हो। तो गाइस जब तक ये 7 डेज तक बुया पास रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे 5 बार चांस मिलेगा डेली का, एंड यहाँ से आप लोग सरपोर्ट की स्किन निकल जाएगी। इस तरह गाइस आप लोग को ये सारी मिशन कंप्लीट करना है। लेकिन गाइस अगर आप लोग को ये वाली कटाना की स्किन चाहिए तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि आप लोग यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 7 तक लॉगिन करना है। अगर एक दिन भी लॉगिन नहीं किया तो गाइस आप लोग ये कटाना की स्किन लिए बिना रह जाओगे, और आप लोग ये क्लेम ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा, आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा, बोनस रिवार्ड कैन ओनली बी क्लेम्ड आफ्टर ऑल द डे लॉगिन रिवार्ड आर क्लेम्ड। बोनस रिवार्ड यानी कि आप लोग को ये जो बोनस रिवार्ड दिया गया कटाना की स्किन का, ये जो बोनस रिवार्ड दिया गया तभी आप लोग क्लेम कर पाओगे जब आप लोग डेली ये सारे रिवार्ड्स क्लेम करके आओगे। वरना गाइस आप लोग अगर एक दिन भी दिन में मिस कर जाते हो, ये एक दिन कर लिया, फिर दूसरे दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन कर लिया, पाँचवें दिन कर लिया, तो गाइस आप लोग ये लिए बिना रह जाओगे। तो ये सिस्टम है। अगर हाँ, दूसरी बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा गाइस, एक सेकेंड, और हाँ गाइस दूसरी बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है कि आज ही लुमिनियस पास को परचेज करना है, क्योंकि ये जो लुमिनियस पास इवेंट है 6 से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। सॉरी आज के नहीं, बाद में भी आप लोग परचेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया गया पास इज अवेलेबल फॉर अनलॉक बाई टॉपिंग आप 100 डायमंड फ्रॉम 6 से 20 नवंबर। यानी गाइस
आप लोग 6 से लेकर 20 नवंबर के बीच इस लुमिनियस पास इवेंट को कभी भी परचेज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया दिया गया, मतलब पहले 7 डेज तक क्या आता था तो भाई आप लोग लुमिनियस पास को परचेज करने के बाद भी रिवार्ड्स क्लेम नहीं कर पाते थे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है इस लुमिनियस पास इवेंट को 20 नवंबर से पहले ही क्लेम करना है। अगर आप लोग 21 नवंबर को क्लेम करोगे तो मान लो 1 दिन लॉगिन किया, 2 दिन लॉगिन किया, 3 दिन लॉगिन किया, 4 दिन लॉगिन किया, 5 दिन लॉगिन किया, 6 दिन लॉगिन करोगे, यानी फिर 6 दिन के बाद 27 नवंबर को तो ये चला जाएगा। फिर 8वें दिन तो आप लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए और आप लोग ये कटाने इसके लिए भी नहीं रह जाओगे। तो 20 नवंबर से पहले आप लोगों को लुमिनियस पास इवेंट को परचेज करना है, यानी कि 20 नवंबर तो काफ़ी लंबा टाइम दे दिया, वैसे पहले तो देते ही नहीं थे, 7 दिन का ही देते थे। तो 20 नवंबर से पहले आप लोग को इसे परचेज कर लेना है। वैसे आप लोग 100 डायमंड का टॉपअप तो आराम से 20 नवंबर से पहले कर ही लोगे, लेकिन अगर आप लोग मान लो 25 नवंबर को कर रहे हो तो 25 नवंबर को कितने दिन लॉगिन कर पाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 नवंबर आ जाएगा, फिर लुमिनियस पास इवेंट चल जाएगा और आप कटाना स्किन नहीं ले पाओगे। तो यही बात है कि आप लोगों को 20 नवंबर से पहले लुमिनियस पास इवेंट को परचेज कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये मिशंस कंप्लीट करके लुमिनियस पास इवेंट को परचेज करके कटाना स्किन क्लेम करने को मिल जाएगी। डेली मिशन कंप्लीट करके गाइस आप लोगों को ये बाइक की स्किन एक्सचेंज करने को मिल जाएगी, एंड यहाँ से आप लोग सरपोर्ट की स्किन ले सकते हो डेली का 5 बार मिशन कंप्लीट करके, मतलब कि हर मैच ड्रॉप होने के बाद आप लोग को एक चांस मिलेगा, एंड डेली का 5 चांस मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग कटाना स्किन मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को लुमिनियस पास इवेंट कंप्लीट करना है। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे मनु भाई दिवाली पास इवेंट या लुमिनियस पास इवेंट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो मैंने आप लोग के यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। होप करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगा, एंड जहाँ तक मुझे लगता है आ ही गए होगा भाई। बस आप लोग को यहाँ पे एक ही गलती नहीं करनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गाइस 20 नंबर से पहले आप लोग को ये सारे रिवार्ड्स परचेज करने, सॉरी कटाना की स्किन लेने के लिए ये सारे रिवार्ड्स को क्लेम करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग को लुमिनियस पास 20 नंबर से पहले ही परचेज करना है, तभी आप सारे रिवार्ड्स ले पाओगे। 20 नंबर के बाद परचेज करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, फिर सिर्फ आप लोगों को ये बाइक की स्किन मिलेगी, एंड फिर आप लोगों को ये सरबोर्ड की स्किन मिलेगी, कटाना स्किन नहीं मिलेगी, और कटाना स्किन ही लेजेंडरी चीज है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। और गाइस कभी कभी क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से ये मिशन दिए गए हैं, जो आप लोग मान लो एक कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने दूसरा कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन ये नहीं कर पाए, मान लो कि ये आप लोगों से कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को है ना जो साइड में 50 गोल्ड रिफ्रेश का बटन दे रखा है, अगर आप लोगों से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी लुमिनियस पास को परचेज नहीं किया तो मुझे नहीं करने दे रहा। और आप लोग यहाँ पे डेली का 1, 2, 3 और 3, 6 टोकन ले पाओगे, मतलब कि 3 और 6 मिशन कंप्लीट करके, हो सकता है इसके बाद में एक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फिर से नए मिशन दे दें, तो आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे मिशन देखने को मिलेंगे, और ये मिशन आप लोग पढ़ के जाना भाई, ये वाला मिशन है, एंड आप लोग यहाँ से टोकन कलेक्ट करोगे तो आप लोग को बाइक की स्किन के अलावा और भी काफी सारे लेआउट वगैरह परचेज करने को मिल जाते हैं, ऐसी कुछ खास नहीं है। बट आप लोगों को अगर यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट अगर आप लोगों को यहाँ पे मान लो ये मिशन कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और फिर से आप लोग यहाँ पे एक और मिशन देखने को मिल जाता है, मान लो यहाँ पे बार बार मिशन रिफ्रेश हो रहे हैं और बार बार टोकन मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि गाइज अगर आप लोगों को मिशन मिल रहा है, मान लो ये कंप्लीट कर लिया, एक टोकन मिल गया, और आप लोगों ने टोटल 20 टोकन इस तरीके से कलेक्ट करके बाइक की स्किन ले ली, उसके बाद में गाइज आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे मिशन कंप्लीट करके ये मैजिक फ्रेगमेंट को क्लेम करना है। यहाँ पे मैजिक फ्रेगमेंट भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे 5 टोकन से आप लोग मैजिक फ्रेगमेंट एक्सचेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग मिशन करके मैजिक फ्रेगमेंट भी ले पाओगे और बाकी लेडआउट भी क्लेम कर सकते हो, तो ये भी बढ़िया होने वाला है। बाकी आप लोग को यहाँ पे गज डेली लॉगिन रिवार्ड में डेली लॉगिन तो करना ही करना है लुमिनियस पास लेने के बाद, तो 20 तारीख से पहले गज आप लोग को परचेज करना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को इस इवेंट को कंप्लीट करना है। होप करता हूँ गज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।